साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जान। मेरी वालदा का इंतकाल जब हुआ था तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी मतलब शायरी बनाई थी, बस उसके बाद वो मैंने गाया तो मुझे शौक हो गया था सिंगिंग का कि इंशाल्लाह मैं सिंगिंग करूँगा। तुझे चांद सितारों में देखा करूँ, तुझे आसमां में समाया करूँ, हर पल हर दम ये कहता रहूँ मैं सदा। ओ मेरी माँ प्यारी माँ। हालात ही कुछ ऐसे है कि कोई सपोर्ट करने वाले मिलते नहीं है, अगर कदम बढ़ाते भी तो आजकल दौर ऐसा है। मुझे बहुत हो रहा है अफसोस ये सोचकर कि इतना बड़ा टैलेंट और जो इनकी आवाज़ है ये अभी तक छुपी हुई है और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमदरा। नाज़रीन, पाकिस्तान के ज़्यादातर देखा गया है कि जो छोटे इलाके होते हैं वहाँ पे ऐसे ऐसे हीरे छुपे हुए होते हैं कि जब वो निकलकर सामने आने लगते हैं तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ कराची के इलाके लांडी की, जो एक इलाका ऐसा है जहाँ पे कच्ची आबादी है, जहाँ पे ज़्यादातर जो तबका है वो गरीब लोगों का है, और वहाँ पर एक उभरता हुआ चमकता हुआ सितारा जो है सबके सामने आने लगा है। मैं बात कर रही हूँ इकरामुल्ला की, जो इस वक्त लांडी में रह रहे हैं और इनके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है। मतलब सिंगिंग का टैलेंट आज सबको आम लगता है कि भाई अगर आवाज़ अच्छी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके साथ सिंगिंग के साथ इनकी और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। इनकी ज़िंदगी में जब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो अपनी वालदा के इंतकाल के बाद इन्होंने एक गाना खुद लिखा और उसको खुद कंपोज किया और ख़ुद गाया। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इतना टैलेंट छुपा हुआ है इनके अंदर, लेकिन फिर भी आज ये एक छोटा सा कारोबार कर रहे हैं, जूते सिलाई करने का, चप्पलों की मरम्मत का काम कर रहे हैं। अभी तक इनको प्रमोट नहीं किया गया किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इकराम से और आपको दिखाते हैं कि इनके अंदर कितना बड़ा ख़जाना छुपा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकराम, ये बताएं सबसे पहले कि सिंगिंग आप करना पसंद करते हैं, आपको शौकिया सिंगिंग करते हैं या किसी से मुतासिर होके किसी को पसंद करके जो है ना, किसी सिंगर को पसंद करके आपने जो है वो सिंगिंग करना स्टार्ट करी? नहीं मैम, किसी को पसंद तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंगिंग का शौक मुझे इसीलिए हुआ था कि मेरी वालदा का इंतकाल जब हुआ था तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी मतलब शायरी बनाई थी, बस उसके बाद वो मैंने गाया तो मुझे शौक हो गया था सिंगिंग का कि इंशाल्लाह मैं सिंगिंग करूँगा। मतलब पैशन बन गया था कि आगे फ्यूचर में भी सिंगिंग को ही लेके चलना है? जी हाँ मैम, यही हुआ था कि बस एक जज्बा सा आ गया था कि मैंने माँ के लिए बनाया तो इंशाल्लाह मज़ीद मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये कि सपोर्ट वाले अगर मिल गए तो इंशाल्लाह ज़रूर। फिर सिंगिंग को लेके आगे कोई कदम क्यों नहीं उठाया? एक काम में, एक दुकान में तुमने बताया कि तुम 14 साल से ये काम कर रहे हो, तो सिंगिंग की तरफ कभी कोई कदम क्यों नहीं बढ़ाया? कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मौका मिला ज़िंदगी में जहाँ पे तुम अपना हुनर दिखा सको? बस मैम, हालात ही कुछ ऐसे है कि कोई सपोर्ट करने वाले मिलते नहीं है, अगर कदम बढ़ाते भी तो आजकल दौर ऐसा है कि बस बहुत ख़राब हो गए हालात, तो इसी वजह से कोई सपोर्ट भी नहीं करना चाहता है, तो मज़ीद मैं भी जो है ना कोशिश नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि अब कोशिश करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो मैं मकाम तक ज़रूर पहुँचूँगा। तुम्हारी वालदा का जब इंतकाल हुआ उसके बाद तुम्हारी क्या उम्र थी और किस उम्र में तुमने जो है अपना वो जो गाना लिखा है अपनी वालदा के लिए, किस उम्र में लिखा था? जी मैं, वालदा का जब इंतकाल हो गया था तो मेरे ख्याल से 2000 में हुआ था, तो मैं था कुछ 5-6 साल का था, छोटा था बहुत, लेकिन जब 8 साल की उम्र में मैं पहुंच गया था तो तब मुझे सिंगिंग का शौक बहुत हो गया था। 8 साल की उम्र में तुमने गाना लिखा? गाना लिखा बस, वैसे कोई स्कूल भी पढ़ा नहीं हूँ मैं, नहीं पढ़ा हूँ मैं,
बस ऐसी माशाल्लाह जो कुरान पाक का सबक पढ़ा है तो उसकी वजह से लिखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो अब हम इनसे गाना सुनने लगें ताकि आप लोग भी ज़्यादा इंतज़ार ना करें और इनका जो टैलेंट है वो जल्द से जल्द देख लें। तो इकराम, सबसे पहले आपने जो गाना अपनी वालदा के लिए लिखा था वो गाना आप सामने जो है वो तमाम देखने वालों को दिखाइए, सुनाइए अपनी आवाज़, अपना हुनर, जो आपके अल्फाज हैं, जो आपकी शायरी है। तुझे चांद सितारों में देखा करूं, तुझे चांद सितारों में देखा करूं, हर पल हर दम ये सदा, ओ मेरी माँ प्यारी माँ, ओ मेरी माँ प्यारी माँ, तू जिंदगी है मेरी प्यारी माँ, तू हर खुशी मेरी प्यारी माँ, तुझे चांद सितारों में देखा करूँ, तुझे आसमां में समाया करूँ, हर पल हर दम ये कहता रहूँ मैं सदा, ओ मेरी माँ प्यारी माँ, ओ मेरी माँ प्यारी माँ, ओ मेरी माँ प्यारी माँ, ओ मेरी माँ ए प्यारी माँ, जीने की तमन्ना नहीं माँ, तू जो नहीं साथ है, हर घड़ी तेरी याद में है, ख्यालों की बरसात है, जुदाई मुकद्दर में थी, इसमें कोई राज है, ये तो जिंदगी से जुड़ी लिखी हुई हर बात है, फिर भी रब से मैं मांगू तेरे लिए ही दुआ, ए मेरी माँ प्यारी माँ, ओ मेरी माँ प्यारी माँ। अफसोस हो रहा है आप लोगों को? मुझे बहुत हो रहा है अफसोस ये सोचकर कि इतना बड़ा टैलेंट, इतना बड़ा टैलेंट के जो लिरिक्स इन्होंने खुद बनाए हैं, जो तर्ज उसको दी है और जो इनकी आवाज़ है, ये अभी तक छुपी हुई है और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आई। इकराम, बताइएगा कि आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या आपने सेट किया हुआ है अपने दिमाग में कि मैंने ये करना है, और एक तरह से आपके अंदर वो अधूरा है आज तक जो आपने नहीं कर पाए, अपनी वालदा के लिए कोई सोचा हुआ है या अपने आगे जो आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, एक बड़ा होता है ना कि एक बड़ा ख्वाब होता है इंसान का, क्या सोचा हुआ है आप? मैंने तो यह सोचा हुआ है और मेरे दिल में जो है वो मुझे पता है और अल्लाह को पता है कि मैंने ये सोचा हुआ है, इंशाल्लाह अगर मैं मकाम तक पहुँच गया तो सबसे पहले मैं जिस तरह मेरी तरह गुरबत में फंसे हुए मैं उनका मदद करना चाहता हूँ, इस बात का अल्लाह गवाह है। और दूसरा फिर जो मेरे हालात और मेरे बच्चे, मेरे जो फ्यूचर, जो मेरे बैकग्राउंड मतलब गुरबत में है, तो उनके साथ भी मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, ये ख्वाहिश है मेरी में। अच्छा, उर्दू ज़बान के अलावा और भी किस ज़बान में आप गाने लिखते हैं? वो पंजाबी, बस थोड़ी बहुत मैंने पंजाबी भी एक मतलब वो करता हूँ, पसंद करता हूँ पंजाबी ज़बान को, बड़ा खूबसूरत ज़बान होते हैं वो, तो उसके लिए भी मैंने एक छोटी सी अभी लाइन बनाई है लेकिन पूरा नहीं किया अभी फ़िलहाल। सुना है आप पंजाबियों के लिए भी जो है वो, कि आपको पता है कि हमारा जो चैनल है दर्शक टीवी, वो है ही पंजाब का, है ही पंजाबियों का, तो अगर उस चैनल पर पंजाब का गाना नहीं होगा, पंजाबी ज़बान का गाना नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो आप पेश करिए अपना पंजाबी गाना। यारा तेरी यारी विच रोया रोया मैं है,
यारा तेरी यारी विच रोया रोया मैं, यारा तेरी यारी विच रोया रोया मैं, है यारा तेरी यारी विच रोया रोया मैं, यारा तेरी यारी विच रोया रोया मैं। दिल दा करार तू, तू ही साडा प्यार तू, तेरे बाज दिल मेरा नहीं लगदा, यारा तेरी यारी विच रोया रोया मैं, है यारा तेरी यारी विच रोया रोया मैं, यारा तेरी यारी विच रोया रोया मैं। प्लीज़ इनको प्रमोट करें, इनको सपोर्ट करें, ये अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या पता इनके तवस्सुल से और जो छुपे हुए टैलेंट है पाकिस्तान में वो भर कर पूरी दुनिया के सामने आए। क्यों हमारा मुल्क किसी और मुल्क से पीछे रहे, दुनिया में सबसे पीछे रहे, हम भी किसी से कम नहीं, और हमने ये साबित करना है, ऐसे हुनर निकाल के लेकर आने और पाकिस्तान को नंबर वन कंट्री पर बनाना है। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जान, दूर देश मत जा, बस वो हमारी नगरी